हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अखिलेश और अमित शाह के बीच छिड़ा साइकिल वार। जब शाह ने साइकिल अभियान को बनाया मुद्दा, तब अखिलेश ने कहा कि समूह से बनाएंगे चुनावी मुद्दा। आज जो भी अरविंद जी ने कहा कि साइकिल के लिए और चलने वाले सभी यात्रियों के लिए एक साइकिल वॉल की कल्पना यहाँ पर की गई। इतने धोखेबाज लोग हो क्या, लखनऊ में साइकिल ट्रैक तोड़ रहे हो, बंद कर रहे हो और हमारी नकल कर करके वहाँ कर रहे हो। 50 लाख से ज्यादा यात्री साइकिल पर जाते होंगे तो साइकिल चलाना ही फैशन होने वाली। समाजवादियों से सीखो साइकिल कैसे चलाई जाती है और बहुत जल्दी देखोगे आप साइकिल कैसे चलती है। मैं आपको बताता हूँ, जो साइकिल पर नहीं जाएंगे उसको सरप्राइज। बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिल्ली विधानसभा चुनाव में साइकिल अभियान को मुद्दा बनाए जाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भोपाल याद आ गए। यूपी में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट साइकिल ट्रैक की बदहाली आंखों के सामने दिखाई देने लगी। लखनऊ में खस्ता हाल साइकिल ट्रैक का नजारा नजरों में आने लगा। साइकिल ट्रैक पर लगी साइकिलों की तस्वीर जो अब बदरंग हो चुकी है, कहीं ना कहीं अखिलेश को पल याद तो आ ही होंगे। इसलिए तो अखिलेश को लगता है साइकिल उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह इसलिए उनसे बदला लिया गया। अब वही पार्टी बीजेपी जब दिल्ली में साइकिल अभियान को चुनावी मुद्दा बनाएगी तो अखिलेश तंज कस रहे हैं। कह रहे हैं बीजेपी किस मुंह से साइकिल अभियान को दिल्ली में चुनावी मुद्दा बनाएगी। आप जाइए पार्टी कार्यालय से बाहर निकलिए और रोड के दाएं बाएं जहां चौराहे से देखें, जिन्हें साइकिल से प्रेम है तो बताओ साइकिल के होर्डिंग लगे थे उन तक पे अपना नाम लिखवा दिया स्वच्छ भारत। कितने धोखेबाज लोग हो क्या, लखनऊ में साइकिल ट्रैक तोड़ रहे हो, बंद कर रहे हो और हमारी नकल कर करके वहां कर रहे हो। अरे हमसे राय ले लो, कौन एक्सपर्ट अच्छा है जो अच्छा साइकिल ट्रैक बनाएगा। समाजवादियों से सीखो साइकिल कैसे चलाई जाती है और बहुत जल्दी देखोगे आप साइकिल कैसे चलती है। आप जरूर दिखाना मेरा वो जिसमें इन्होंने स्वच्छ भारत की अपना नकली पोस्टर लगाया है। असल में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था दिल्ली में बीजेपी साइकिल वॉक अभियान शुरू करेगी, इससे दिल्ली का प्रदूषण 20% कम होगा। शाह ने साइकिल का राग छेड़कर समाजवादी पार्टी को हमला करने का मौका दे दिया। आज जो भी अरविंद जी ने कहा कि साइकिल के लिए और चलने वाले सभी यात्रियों के लिए एक साइकिल वॉक की कल्पना यहां पर की गई, मित्रों ये पूरी कल्पना जब जमीन पर उतरेगी मुझे भरोसा है कि दिल्ली के प्रदूषण के अंदर कम से कम 20% की कटौती केवल एक ही प्रोजेक्ट कर पाए। और बहुत अच्छे तरीके से इसका प्लानिंग किया है, अपने घर से कामकाज की जगह पर आप साइकिल पर जा सकते हो, पैदल जा सकते हो। अभी जाओगे तो डर लगता है पीछे से कोई बस आ जाएगी, गाड़ी आ जाएगी, टक्कर लगा देगी। थोड़ा फैशन का भी प्रॉब्लम होता है कि साइकिल पर जाएंगे तो कैसे लगेंगे। परंतु जब दिल्ली की ये नए रास्ते पर 50 लाख से ज्यादा यात्री साइकिल पर जाते होंगे तो साइकिल चलाना ही फैशन होने वाली है। मैं आपको बताता हूं, जो साइकिल पर नहीं जाएंगे उसको सरप्राइज। आप जाइए पार्टी कार्यालय से बाहर निकलिए और रोड के दाएं बाएं जहां चौराहे से देखें, जिन्हें साइकिल से प्रेम है तो बताओ साइकिल के होर्डिंग लगे थे उन तक पे अपना नाम लिखवा दिया स्वच्छ भारत। कितने धोखेबाज लोग हो क्या, लखनऊ में साइकिल ट्रैक तोड़ रहे हो, बंद कर रहे हो और हमारी नकल कर करके वहां कर रहे हो। अरे हमसे राय ले लो, कौन एक्सपर्ट अच्छा है जो अच्छा साइकिल ट्रैक बनाएगा। समाजवादियों से सीखो साइकिल कैसे चलाई जाती है और बहुत जल्दी देखोगे आप साइकिल कैसे चलती है। आप जरूर दिखाना मेरा वो
जिसमें इन्होंने स्वच्छ भारत की अपना नकली पोस्टर लगाया है। अखिलेश की बात सच भी है कि जब से अखिलेश की सरकार गई है तब से लखनऊ के साइकिल ट्रैक बदहाल है। योगी सरकार ने साइकिल ट्रैक पर लगे साइकिल चेन वाले सभी पोस्टर हटा दिए हैं और वहां स्वच्छ सर्वेक्षण के पोस्टर लगा दिए। कहीं कहीं साइकिल ट्रैक को काले रंग से रंग दिया गया है। शहर के सुंदर इलाकों में बने साइकिल ट्रैक टूटे पड़े हैं। आपको बता दें, लखनऊ सहित यूपी के कई बड़े शहरों में साइकिल ट्रैक बनवाया गया। बेहद सुंदर लगने वाला ये साइकिल ट्रैक अखिलेश यादव के चुनावी अभियान का हिस्सा भी था, लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार आई इस साइकिल ट्रैक से सरकार का ध्यान हट गया। कहीं कहीं तो सरकार ने बाकायदा साइकिल ट्रैक इसलिए हटवा दिया ताकि सड़कें चौड़ी हो सके। अब जबकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में साइकिल राग छेड़ा है तो अखिलेश ने उसे लपक लिया। अब इस मुद्दे पर बीजेपी को सीधी चुनौती दे रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।